समझना होगा। एक बहुत छोटी सी घटना आपको सुनाऊं यशपाल जैन के जीवन की, और मेरे ख्याल से बात इतनी ही पर्याप्त है। अहिंसा में सारे धर्म समाये हुए हैं और अहिंसा की परिभाषा बहुत सीधी सी है, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन इज द नॉन वायलेंस, प्राणी मात्र को सुरक्षा देना और सबके लिए प्यार देना, इससे बड़ा अहिंसा का और कोई संदेश नहीं है। चींटी को नहीं मारा है, ठीक है भैया, हिंसा नहीं करी है, लेकिन दूसरे को, दूसरे ने सहयोग किया है तो उसको हमने अपनी तरफ से सहयोग पहुंचाने की भावना कहाँ रखी है। अहिंसा का पॉजिटिव अप्रोच तो यही है, ये तो नेगेटिव अप्रोच है कि हाँ ठीक है हमने हिंसा नहीं करी, लेकिन हिंसा नहीं करी पर जो हिंसा हो रही है उसको दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं करा, यानी समर्थन तो करा हमने, इनडायरेक्ट हुआ है। हम लोग बहुत सारी निष्क्रिय पाप भी करते हैं, सक्रिय पाप तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय पाप, पाप का समर्थन करना भी निष्क्रिय पाप है। हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, अपन मनुष्य हैं, इसलिए हम किसी धर्म के हैं इसलिए नहीं, हम मनुष्य हैं, मनुष्यता हमारा धर्म है। हम जैन हैं इसलिए, या कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए, या कि हम और भी कोई धर्म को मानने वाले हैं इसलिए हमें ऐसा करना है, नहीं, हम जैन हैं और मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता हमारा धर्म है, ये विचार हमारे भीतर आना चाहिए, तो परस्परता का बोध जरूर से होगा। यशपाल जी की एक घटना, हो सकता है कि मैं पहले सुना चुका हूं, मैं खुद भी भूल जाता हूं, आप याद दिला दीजिएगा, अगर बीच में आप याद दिला देंगे तो फिर मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसा अगर मैं कह दूंगा तो आप याद भी नहीं दिलाएंगे, पूरी सुन लेंगे फिर से। मैंने अपनी सेफ्टी तो कर ली कि वो घटना मुझे याद नहीं कि मैंने आपको सुनाई कि नहीं, पर बहुत अच्छी घटना है, संदेश देती है कि देखो हम अपने जीवन को कैसा बनाएं, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं जिससे कि दूसरा भी हमारी उपस्थिति से खुश हो सके। अभी तो हम एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास से भरे हुए हैं कि कोई बाजू से निकल जाए तो हमको संदेह होता है कि ये हमको कुछ तकलीफ ना पहुंचा दे, पड़ोसी से विश्वास नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि इससे मुझे कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इतना अविश्वास व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कैसे हो गया, हमारी अपनी मानसिकता की वजह से हमने विश्वास तोड़ा अपने हाथ से और अपना प्यार तोड़ा परस्पर एक दूसरे के, नहीं तो काम आते तो कोई जरूरत ही नहीं थी, किसी के यहां पर किसी को कोई तकलीफ है और कोई काम आ गया तो वो कितना निश्चिंत, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को तो स्वर्ग कहते हैं। और कोई अलग से कोई चीज स्वर्ग होती होगी तो होती होगी, अपने को उससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, अपन तो अपने घर के आसपास ही स्वर्ग बना सकते हैं कि हम आपके काम आ गए, आप निश्चिंत रहिएगा हम आपके काम आ जाएंगे। मैं जितने आसानी से कह रहा हूं उतना आसान है नहीं, है बहुत कठिन मामला, अभी यहीं से बाहर निकलेंगे तो कठिनाई मालूम पड़ने लगेगी, बाजू वाले की साइकिल के ऊपर अपनी टिकी होगी, हटाओ जी किसकी है ना।